अजमेर टांगा गाड़ी पर कोरोना का असर, गरीब परिवार की टूटी कमर, 60 से 70 परिवारों की चलती है रोजी रोटी। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो व्यापार जगत की संसद गरीब तबके का व्यक्तित्व के लिए भी जीवन यापन करना दुर्भर हो चुका है। लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है। अब ऐसे में टांगा गाड़ी चलाने वाले टांगा चालकों पर तो आफत का पहाड़ी गिर चुका है, जो अपने परिवार का पेट पालने और जानवर का पेट पालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बरसों पुरानी टांगा गाड़ी पर संकट के बादल छा चुके हैं। धीरे धीरे महामारी के कारण व्यापार भी अंधकार में डूबता जा रहा है। देश भर में महामारी लॉकडाउन के चलते ना तो सड़कों पर पर्यटक नजर आ रहे हैं और ना ही धर्म के स्थानों पर श्रद्धालु। ऐसे में व्यापार पूरी तरह से डूबता जा रहा है। अब इस महामारी से ऊपर भी आ पाएंगे या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक पर्यटकों की आवाजाही व धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाएगा, तब तक इस व्यापार पर कोरोना की मार पड़ती रहेगी। मैं असलम भाई टांगा यूनियन अध्यक्ष हूँ। हमारी यूनियन रजिस्ट्रेड है। हम 2-2 महीने लॉकडाउन के अंदर ऐसा हाल हो गया, हमारे 60 टांगे घोड़े चलते हैं अजमेर के, कुल जहाँ 800 टांगे घोड़े थे, जो 60 टांगे घोड़े बचे हैं, इनकी भी रोटी रोजी चली गई। हम घोड़ों को खिलाएं या हम खाएं, प्रशासन हमारी तरफ देख नहीं रहा कि गरीब टांगे वाले कहाँ जाएंगे। इनके 60-70 परिवार पलते हैं, मजदूर है, एक बच्चों को खिलाएं या घोड़ों को खिलाएं। रोज़ एक घोड़ा 200-250 रुपये रोज़ घोड़े का खर्चा है, हमारे परिवार का खर्चा है। अब ये 4-5 महीने तो और चली गई, जब दरगाह हमारे सिर्फ दरगाह की वजह से धंधा चलता है, दरगाह बंद है तो सब धंधा बंद है, यहाँ नौकर सवारी को बैठती नहीं है। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अब ये स्थिति आ जाएगी कि बाद में अगर और ज़्यादा रहा तो हमको घोड़े टांगे बेचने पड़ेंगे, चूने भाटे मजदूरी कहीं पर दूसरी मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं टांगा यूनियन अध्यक्ष असलम भाई घोसी।